रुक्मिणी का विवाह होना है। राजा भीष्मक, विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं। भीष्मक के 5 पुत्र हैं, 1 कन्या है जिसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई, और जब बिटिया ब्याह योग्य होती है तो स्वाभाविक चिंता लगती है। अब तो दहेज चल गया है, जो गरीब बेटी होगी कैसे कैसे गरीब माता पिता अपने बेटियों के पैर पूज पाएंगे। इसी उद्देश्य से आदरणीय श्री राज राजेश्वर गुरु जी ने संस्था चलाई है जिसमें गरीब निर्धन कन्याओं के विवाह होते हैं। उसमें जो भी सहयोग कर सकते हैं आप लोग अवश्य करना। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भादिर पतिर महान तस् पंचा भवन पुत्र कन्या के चवरानना। राजमा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, 1 कन्या है जिसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई। राजा भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी को बुलाया, लाला तुमने रुक्मिणी के लिए कोई वर खोजा है? हाँ खोजा है, बहुत सुंदर वर है। कौन? शिशुपाल। एक बार रुक्मिणी से पूछ लिया होता, रुक्मिणी से पूछा गया, रुक्मिणी रोने लगी, शिशुपाल तो भाभी का भैया है, उससे मेरा ब्याह कैसे हो सकता है? रुक्मिणी अपने बगीचे में बैठ के रो रही थी, ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण ने कहा क्यों रो रही हो रुक्मिणी? रुक्मिणी ने कहा मैंने तो कन्हैया को अपना पति मान लिया है, मैं 7 मंत्र लिख रही हूं, मेरे ये 7 मंत्र मेरे गोविंद तक पहुंचा दो। रुक्मिणी ने 7 मंत्र लिखे एक पत्र में। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रण्यतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। हे गोविंद, जब से मैंने आपका नाम स्वरूप गुण सुना है तब से मैंने आपको अपना पति मान लिया है। ये न समझना मैं साधारण कन्या हूं, मैं भी साधारण कन्या नहीं हूं। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपो विद्या वयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम। यदि आप कुलवान हैं तो मैं भी कुलवती कन्या हूं, आप रूपवान हैं तो मैं भी रूपवती कन्या हूं, आप शीलवान हैं तो मैं भी शीलवती कन्या हूं, आप लक्ष्मीवान हैं तो मैं साक्षात लक्ष्मी हूं। विद्या वयो द्रविण धाम भिरात्म तुल्यम, सब कुछ आपके समान है। आप सोचोगे जब सब कुछ मेरे समान है तो मुझसे भी अच्छा वर खोज लो, तो मैं एक ही कारण से आपसे ब्याह करना चाहती हूँ कि धीरा पति कुलवती न व्रणीत कन्या। मुझे धार्मिक आचरण वाला पति चाहिए जिसमें धैर्यता हो, जिसमें धार्मिकता हो। और ये जो रुक्मिणी है ना, ये सिंह की वस्तु है, इसे कहीं सियार शिशुपाल न ले जाए। गोविंद हमसे ब्याह करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या? निर्मथ चैद मगजेंद्र बलम प्रसिह माम राक्षसेन विधनोत बह वीर सुल्कान। बड़े बड़े देश के राजाओं से युद्ध करके, उन्हें पराजित करके, तब मेरा हरण करके मेरे साथ राक्षसी विधान से ब्याह करना पड़ेगा। मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह होते हैं जिसमें मेरा हरण करके मेरे साथ राक्षसी विधान से विवाह करोगे। कैसे करोगे वो मैं बता रही हूं कि जब भी मेरे यहाँ गांव में किसी कन्या का ब्याह होता है तो गांव के बाहर गिरजा का मंदिर है, गिरजा पूजा करने जाती है सखियों के साथ, मैं भी सखियों के साथ गिरजा पूजा करने जाऊंगी, वहीं से मेरा हरण कर लेना। और गोविंद यदि आप मुझे पति रूप में न मिले, यर्यम भुजाक्ष न लभे भवत प्रसादम जयहा मसून व्रत कृसा छत जन्म भी स्यात। यदि आप पति रूप में मुझे न मिले तो एक जन्म नहीं चाहे सैकड़ों जन्म हो जाए हम कुआरी बनी रहेंगी, लेकिन ब्याह करूंगी तो आपसे ही करूंगी। गोविंद जन्म कोटी लगी रगड़े हमारी परऊं कृष्ण।